Welcome to my channel. So today we have follow-ups of the statement describe an occasion when you spend time with a young child. So let's see. So our first question is, do you think there are too many rules for young children to follow whether at school or at home? क्या आपको लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा rules हैं school में भी और घर पर भी? No, I don't think as children have limited rules to follow. कि मुझे नहीं लगता क्योंकि बच्चों के पास अब लिमिटेड रूल्स ही हैं. बिकॉज रूल्स आर मेड फॉर देयर वेलफेयर, कि उनके अच्छे के लिए बनाए गए हैं, एज वेल एज टू टीच देम सम मॉरल वैल्यूज़, और साथ में ही उनको कुछ मॉरल वैल्यूज सिखाने के लिए. डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड फॉलो ऑल द रूल्स? क्या आपको लगता है कि बच्चों को सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए? डेफिनेटली चिल्ड्रन शुड फॉलो ऑल द रूल्स बिकॉज इट टीचेज देम डिसिप्लिन, क्योंकि इससे उनको डिसिप्लिन सिखाया जा सकता है एंड मेक देम बेटर सिटीजन इन सोसाइटी, और सोसाइटी में वो बेटर सिटीजन्स भी बनते हैं. डू यू थिंक इट्स नेसेसरी फॉर पेरेंट्स टू टेक डिसीजन्स फॉर देयर चिल्ड्रन? क्या आपको लगता है कि ज़रूरी है कि पेरेंट्स को ही उनके डिसीजन्स लेने चाहिए उनके बच्चे के लिए? येस, इट्स अनक्वेश्चनेबली नेसेसरी टू पेरेंट्स टू मेक डिसीजन्स फॉर देयर चिल्ड्रन, कि उनके लिए ज़रूरी है सिंस चिल्ड्रन आर नॉट सोफिस्टिकेटेड इनफ टू वे द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ अ सिनेरियो. इसका मतलब है कि जो आजकल बच्चे हैं वो इतने सोफिस्टिकेटेड, मतलब इतने मैच्योर नहीं है कि वो हर सिचुएशन हर सिनेरियो के पॉजिटिव और नेगेटिव को तोल सके, मतलब कंपेयर कर सके. एंड पेरेंट्स आर फुल्ली अवेयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, बट जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में अच्छी तरीके से पता होता है, सो दे विल मेक एवरी डिसीजन फॉर देयर सेक, तो वो हर डिसीजन उनकी भलाई के लिए लेंगे, उनके अच्छे के लिए ही लेंगे. डू यू थिंक इट्स गुड फॉर पेरेंट्स टू हेल्प चिल्ड्रन चूज फ्रेंड्स? क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए अपने बच्चों की, कि वो कैसे फ्रेंड्स चूज़ करें? नो, आई डोंट बिलीव पेरेंट्स प्ले एनी रोल इन चूजिंग फ्रेंड्स, कि मेरे को नहीं लगता कि पेरेंट्स का इसमें कोई रोल है. सिंस पेरेंट्स इस्टेब्लिश फ्रेंड्स बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस एंड इंटरेस्ट, क्योंकि बच्चे फ्रेंड्स उनको ही बनाते हैं अपनी प्रेफरेंसेस और इंटरेस्ट के कारण, एंड दे विल चूज़ फ्रेंड्स बेस्ड ऑन दैट, और उन्हीं को चूज़ करेंगे जो इनके साथ उनके इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस मिलती होंगी. Where do children usually play? कि वैसे तो बच्चे कहाँ खेलते हैं usually? When I think of school, अगर मैं school की सोचूँ, children play in playgrounds, whereas at home children enjoy both outdoor and indoor play. कि अगर school की सोची जाए तो वो playground में खेलते हैं, अगर घर की सोची जाए तो वो indoor भी खेलते हैं और outdoor भी खेलते हैं. हम streets भी mention कर सकते हैं इसमें. While traveling with children, which of the parents takes more care of the children? कि जब ट्रैवलिंग की जाती है बच्चों के साथ तो कौन से पेरेंट्स, मतलब दोनों पार्टनर्स में से बच्चों का ध्यान ज़्यादा कौन रखता है? आई थिंक बोथ पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन वाइल ट्रैवलिंग, के दोनों ही रखते हैं. बिकॉज बोथ पेरेंट्स केयर फॉर देयर चिल्ड्रन एज वेल एज इट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ, क्योंकि दोनों को अपने बच्चों की परवाह होती है और साथ में ही उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है. हाउ डू पेरेंट्स टीच चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट पीपल? कि पेरेंट्स कैसे सिखाते हैं बच्चों को? पेरेंट्स टीच देयर चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट पीपल बाय अप्लाइंग द सेम ऑन देमसेल्व्स, कि खुद भी वो सेम चीज़ फॉलो करते हैं जो वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं. दैट मीन्स वो भी अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और बाय गिविंग एग्जांपल्स दे के मोर ओवर दे कैन ऑल्सो टीच देम थ्रू एजुकेशनल स्टोरीज, और साथ में कुछ एजुकेशनल स्टोरीज सुना के, एज वेल एज बाय पुशिंग देम ऑन देयर किड्स बिहेवियर, पनिशिंग देम ऑन देयर किड्स मिसबिहेव, कि अगर बच्चा कोई मिसबिहेव करता है तो उसको पनिशमेंट देकर भी सिखाया जाता है. डू आउटडोर एक्टिविटीज़ हेल्प चिल्ड्रन? क्या आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की हेल्प करती हैं? आउटडोर एक्टिविटीज़ डेफिनेटली हेल्प द चिल्ड्रन टू स्टे इन शेप, कि उनको हेल्दी रखने के लिए. स्टे इन शेप का मतलब होता है, ये भी एक idiom है जिसका मतलब होता है हेल्दी एंड वेल्दी, ठीक है, कि वो ताकि वो अच्छी शेप में रह सके, एज वेल एज इट टीचेज वैल्यूज़, और साथ में ये कुछ वैल्यूज़ भी सिखाता है जैसे लीडरशिप, यूनिटी, टीम वर्क एंड मैनी मोर. What is the difference between the outdoor activities children play now and before? कि इन दोनों में क्या difference है, कि outdoor activities में पहले क्या करते थे और अब क्या करते हैं? There is a great difference between the outdoor activities location. कि इसकी location में बहुत बड़ा difference है. If I talk about past, children used to play in the natural places like forest or in the states. अगर past की बात की जाए तो बच्चे पहले natural places में खेलते थे जैसे forest or streets. But nowadays special playgrounds have been made for the children to play outdoor activities. But आजकल special playgrounds बनाए गए हैं जहाँ बच्चे outdoor activities कर सकते हैं.
Which side the father or the mother invest more experience in caring for the child? Why? How can we change this? कि कौन सी साइड को ज़्यादा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, फादर या फिर मदर, और हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? एज़ पर माई व्यू बोथ द पार्टनर शुड इन्वेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन केयरिंग फॉर देयर चाइल्ड, कि दोनों पार्टनर्स को इक्वल टाइम ही इन्वेस्ट करना चाहिए, एज़ बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग दिस डेज, क्योंकि आजकल दोनों पार्टनर्स वर्क कर रहे हैं, सो दे हैव अ हार्ड टाइम स्पेंडिंग विद दैम, तो मुश्किल से ही थोड़ा बहुत टाइम बचता है जो अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं. सो दे स्पेंड इक्वल, शुड स्पेंड इक्वल टाइम विद देयर किड्स एंड द हैव सेम बॉन्डिंग, कि दोनों को इक्वल करना चाहिए ताकि उनकी बॉन्डिंग भी दोनों पार्टनर्स के साथ सेम बनी रहे. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.